अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैड में लेसन नंबर 6। आज के इस लेसन में हम फर्स्ट प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप एक लाइन को किस तरह ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट, और उसके अलावा भी आप किस तरह लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन को क्लोज किस तरह करते हैं, लाइन का मकसद क्या होता है, इसके अलावा लाइन को स्ट्रेट किस तरह करना है। आज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा मैं आपको लाइन के बारे में, और ऑटोकैड में आज फर्स्ट प्रैक्टिकल पे काम करेंगे। आज के लेसन में हमने क्या क्या देखना है उसके ऊपर मैं आपको आउटलाइन बताता हूँ। तो आज के लेसन लेसन नंबर 6 है ऑटोकैड 2015 का। आज के लेसन में हम देखेंगे लाइन को किस तरह इंसर्ट करते हैं, लाइन की कमांड क्या है, हाउ टू स्ट्रेट द लाइन, लाइन को स्ट्रेट कैसे किया जाता है, डिफरेंट मैथड टू इंसर्ट द लाइन, लाइन को इंसर्ट करने के और कौन कौन से तरीके हैं, पर्पज ऑफ क्लोज, पर्पज ऑफ अनडू, हाउ टू इंसर्ट द लाइन इन एंगल, और उसके अलावा आज के इस लेसन में हम देखेंगे आप अपने प्रोजेक्ट को सेव किस तरह करते हो और फिर ओपन किस तरह करते हो। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। तो ऑटोकैड तो मैंने ओपन किया हुआ है, और ऑटोकैड में सबसे पहले आपने काम क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ऑटोकैड में आप देखें यहाँ पे आपको ये ग्रिड्स लाइन जो नजर आ रही है, तो इसमें अगर आप काम नहीं कर सकते या फिर आपको सही इसमें काम नहीं होता आपका, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ग्रिड लाइंस को रिमूव कर दें, खत्म कर दें। तो उसके लिए आप डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके, तो ये हाइड हो जाएंगे। उसके अलावा की भी शॉर्ट की लिखी हुई है, देखते हैं वो अप्लाई होती है अभी कि नहीं, तो F7 प्रेस करें तो उससे भी आप देखें ग्रिड आपके ऑफ हो गए हैं। F7 प्रेस करने से भी ऑफ हो जाते हैं, शॉर्ट कमांड है। ग्रिड्स को ऑफ करने की जो शॉर्ट कमांड है वो है F7। कीबोर्ड से F7 को प्रेस करें, ग्रिड्स आपके हाइड हो जाएंगे। आज के इस लेसन में हम लाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो होम में आप देखें आपके पास लाइन लिखा हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको। तो मैं जो ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा या सिखाऊंगा तो उसे मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। मैं लाइन है, लाइन के बाद लाइन की टाइप्स हैं, उस तरह मैं बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं आपको होम के जो टैब हैं टैब से सीरीज वाइज हम चलना स्टार्ट करें। जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो मैं आपको बताऊंगा, टैब के अलावा भी कहाँ कहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टैब्स में हर एक लाइन नहीं होती। अब जिस तरह कंस्ट्रक्शन लाइन है, लाइन की टाइप्स में देखें हमारे पास लाइन की टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन भी होती है, और कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे आई थिंक नहीं है। हाँ है, कंस्ट्रक्शन लाइन सही है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके टूल्स होते हैं, अगर आपने ऑटोकैड 2007 किया तो उसको उसमें आपको पता होगा कि ऑटोकैड में ड्रॉ बार में कितने ज़्यादा टूल्स पड़े हुए होते हैं। तो हम उन सारे टूल्स को डिस्कस करेंगे कमांड्स के थ्रू भी, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे वो टूल्स पड़े हुए हैं, होम में कहाँ पे हैं, उसके अलावा मेन्यू बार में कहाँ पे हैं, रिबर में कहाँ पे हैं, तो इन सब टूल्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लाइन की जो शॉर्ट कमांड है, लाइन को इंसर्ट करने की जो शॉर्ट कमांड है वो है एल एंटर। कीबोर्ड से आप एल का बटन प्रेस करें और एंटर कर दें, या फिर स्पेस कर दें, दोनों का फंक्शन यही है, एंटर और स्पेस आपके लाइन को इंसर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब आप देखें मैंने जो ही एल प्रेस किया तो हमें दे रहा है आपने लाइन इंसर्ट करनी है, लिमिट करनी है, लेंथन कमांड यूज कर रहे हैं। तो मैं लाइन यूज कर रहा हूँ, तो मैं लाइन के लिए मैं एल एंटर करता हूँ, तो मेरे पास लाइन आ गई। लाइन इंसर्ट, लाइन की कमांड देने के बाद आपने क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, देखिए आप लाइन यहां से दे सकते हैं। ओके, अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे लाइन की कमांड कंप्लीट हो गया, मैं यहां से आगे नहीं जाना चाह रहा, तो लेकिन फिर भी हमारे पास देखिए ये कमांड्स को छोड़ नहीं रहा, हमारे पास लाइन यहां से आगे भी जा रही है। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से स्केप का बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से आपने स्केप का बटन प्रेस करना है, जिससे आपकी लाइन, आपकी कमांड कंप्लीट हो जाएगी। स्केप जो होता है आपकी कमांड्स को लीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं स्केप प्रेस करता हूँ तो मेरी कमांड्स खत्म होगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास जी लाइन इंसर्ट करने का तरीका कि हमने लाइन को कैसे इंसर्ट किया फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट से। अब ऑटोकैड तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक्यूरेट हमें मैं ये इंजीनियर के थ्रू उसमें काम करते हैं। तो लाइन की भी हम लेंथ दे सकते हैं कि आपने कितनी लेंथ पे लाइन देनी है, तो उसके लिए भी कमांड यूज होती है। वो क्या होती है उसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ मैं। अब जो कमांड यूज होगी लाइन के लिए उसके ऊपर काम करते हैं। इस सबको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगी।
तो लेंथ में आप लाइन देना चाहते हो तो उसके लिए आप एल एंटर करें, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें और आपको कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें। तो मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल इसको तो 10 फुट देता हूं, एंटर करूंगा तो मेरे पास ये देखें ये 10 फुट पे लाइन इंसर्ट नहीं हो रही। ये लाइन इंसर्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने डायमेंशंस सॉरी इसकी जो यूनिट्स हैं वो सेट नहीं की। तो इसके लिए आपको यूनिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट सेट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेसन में कमांड्स बताई थी। यूनिट की जो कमांड होती है सेट करने के लिए UN एंटर, आपने यहां से टास्क में आर्किटेक्चर देते हैं इंजीनियरिंग देते हैं आपकी मर्जी है, कुछ भी नहीं होता इन दोनों में से, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप ड्राइंग बनाएंगे आप इंजीनियरिंग देते हैं या आर्किटेक्चर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी ड्राइंग्स में मसला होगा या ख़राब हो जाएगी। तो मैं आर्किटेक्चर देता हूँ और 0 फुट 0 इंच देता हूँ, या फिर मैं आज इंजीनियरिंग पे काम करता हूँ इंजीनियरिंग दे रहा हूँ और 0 फुट 0 इंच में दे रहा हूँ। ओके सही है। अब मैं इसमें जब लाइन एल एंटर करता हूँ क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास लाइन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देखें लाइन तो इंसर्ट हो रही है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही, देखें कुछ चेंजिंग है। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F9 या F8 का बटन प्रेस करें, मैं देखता हूँ F8 प्रेस करता हूँ सॉरी F8 का बटन कीबोर्ड से प्रेस करें तो आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। F8 से देखें स्ट्रेट हो गई आपकी लाइन। स्ट्रेट करने के बाद मैं इसको 10 फुट लाइन देना चाहता हूँ तो 10 फुट ओके करता हूँ मैं, तो मेरे पास 10 फुट की लाइन आ गया लेकिन ये फिर भी कमांड जो है लाइन की कमांड को छोड़ नहीं रहा। तो उसके लिए आप क्या करोगे कीबोर्ड से स्केप का बटन प्रेस करोगे, स्केप का बटन प्रेस किया मैंने तो देखें मेरे पास 10 फुट की लाइन लग गई है। तो ये मेरे पास सिंपल लाइन लगाने का तरीका कि लाइन आप कैसे लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ, कमांड्स आपको बता देता हूँ, इसका मैं नोटपैड में और आप अपनी कॉपी नोटबुक आप निकालें और उसमें अपनी ये कमांड्स लिख लें क्योंकि ऑटोकैड पे काम करने के लिए आपको कमांड्स पे कमांड होनी चाहिए। लाइन के लिए जी मेरे पास लाइन की जो कमांड है वो है एल एंटर, एल एंटर लाइन के लिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हो एल, इसका जो प्रोसेस है मेथड क्या क्या है वह जी, सबसे पहले आपने एल एंटर करना है, एल एंटर करने के बाद क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, फिर आपने क्या करना है क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया सेकेंड पॉइंट पे क्लिक किया तो आपकी लाइन इंसर्ट हो जाएगी। या फिर दूसरा है कि आपने क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट करने के बाद आपने क्या करना है जी लेंथ दे देनी है आपने सेकेंड पॉइंट, ये नॉर्मल है अगर आपने लेंथ के थ्रू आपने अगर कमांड नहीं देनी तो आप क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट करेंगे, अगर आपने लेंथ देनी है तो क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट करके आपने लेंथ देनी है कमांड को। लेंथ देता हूँ मैं 10 फुट देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। स्केप जो बटन स्केप प्रेस होता है स्केप यूज होता है यूज फॉर लीव द कमांड, कमांड को छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। F8 कीबोर्ड से आप जो प्रेस करते हो F8 यूज होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए यूज होता है स्केप। जेड स्पेस ए स्पेस जो होता है जेड स्पेस स्पेस ए स्पेस जो यूज होता है जूम एक्सटेंट जूम आल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको जूम करने के लिए, और जेड स्पेस ई स्पेस जो होता है जूम एक्सटेंड के लिए। एंटर और स्पेस दोनों आप यूज कर सकते हो अपने लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो यूनिट को जो सेट करते हो उसके लिए यूनिट्स के लिए होता है आपके पास UN एंटर, तो ये सारी कमांड्स आप लिख लें पास अपने यूनिट UN एंटर, तो ये कमांड्स हमने किए हैं। इसके अलावा और कीबोर्ड का मैं आपको बता देता हूँ कि इंचेस का बटन कौन सा होता है शिफ्ट का कौन सा होता है। तो उसके लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करता हूँ,
एंटर के साथ वाला ये जो बटन है ये वाला, ये यूज होता है आपका इंच या फीट के लिए। तो देखें इंच के लिए जो यूज होता है इंच के लिए आप इसको डबल डबल करना है। तो डबल करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, आप देखें शिफ्ट का बटन प्रेस किया और एंटर के साथ वाला बटन प्रेस करें तो ये डबल आ जाएगा। और फीट के लिए आप यूज करते हो ओनली सिंगल, सिंगल आपने फीट के लिए यूज करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 फुट की लाइन लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं 10 फीट यूज करूंगा, और 10 अगर इंच की लगाना चाह रहा हूँ मैं तो उसके लिए 10 इंच करूंगा, या फिर सिर्फ 10 लिख के एंटर करूंगा तब भी इंच में ड्रॉ हो जाएगी लाइन। स्केप का बटन आपके पास आपको नजर आ रहा होगा, ये स्केप का बटन है, ये शिफ्ट का बटन है, और ये जो बटन है आपको नजर आ रहा है एंटर साथ वाला जो बटन है ये इंच या फीट के लिए यूज किया जाता है। अब लाइन में कुछ और भी चीजें हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ये यूसीएस आइकन है, इसको ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए आपके पास कमांड है यू सी एंटर और डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक, ओके करके ओके कर दें तो यूसीएस आइकन अपनी ओरिजिन पॉइंट में चला जाएगा। ओके तो स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए मैं आपको फिर दोबारा से कमांड बताता हूं, एल एंटर, मैं यहां पे 10 फिट एंटर, नीचे भी लाना चाहता हूं तो 5 फुट एंटर करता हूं, 5 फुट की लग गई। इस साइड भी लगाना चाहता हूं तो मैं 10 फिट एंटर, और इस साइड भी मैं अगर लेके जाना चाहता हूं लाइन को तो 5 फिट एंटर। तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब हर एक लाइन अलग अलग से आपको देखें शो हो रही है, देख सकते हैं। तो ये जी कमांड्स हैं आपके पास लाइन की। अब जब मैं एल एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखें आपको नीचे यहाँ पे कमांड एरिया जो है इसमें अंडू, लाइन के लिए आपको अंडू का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट और फिर साथ में अंडू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। F8 प्रेस करता हूँ मैं, अंडू के बाद आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इसका फंक्शन क्या है हमेशा याद रखिएगा कि आपने जब भी आपने कोई कमांड अप्लाई करनी है तो कमांड अप्लाई करने के बाद आप नीचे यहाँ पे आपको कमांड एरिया जो है यहाँ पे जो जो ऑप्शन दे रहा होता है आप उसको भी फॉलो करें। उसको फॉलो करने के लिए जो भी कमांड यहाँ पे दी हुई होती है क्लोज का, अगर जो वर्ड कैपिटल होगा क्लोज का सी कैपिटल है, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ कैपिटल लिखा हुआ है, यू अंडू का यू कैपिटल लिखा हुआ है, तो वही कमांड होती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को यहाँ पे साथ क्लोज करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक ले आया, अब मैं यहाँ पे ले आया और मैं किसी को क्लोज करना चाह रहा हूँ तो मैं सी एंटर करूंगा तो देखें ये क्लोज हो गया, यहाँ पे कमांड भी खत्म हो गई और इसको इसने क्लोज भी कर दिया, देख सकते हैं आप। तो ये जी क्लोज कमांड के लिए यूज हो गया। मैं फिर से अप्लाई करता हूँ एल एंटर, अब देखिए मैं यहाँ पे मैं ले आया। एमएस ऑफिस में हम अपनी कमांड को रिपीट करने के लिए, हमने जो काम किया हुआ होता है उस काम को रिपीट करने के लिए कंट्रोल जेड यूज करते हैं, अंडू के लिए कंट्रोल जेड यूज करते हैं। तो अब मेरा लास्ट पॉइंट जो है मैं यहां से इस कमांड को खत्म करना चाह रहा हूं तो मैं देखिए कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसने कमांड को छोड़ दिया, मैं फिर कंट्रोल जेड को प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो लास्ट काम किया हुआ है वो सारे को खत्म करें। देखें अब मेरी कमांड बिल्कुल खत्म होगी, जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो सारी खत्म होगी। अब यही काम आप यू से भी अंडू करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें यू प्रेस किया मैंने एंटर, यू एंटर, यू एंटर, यू एंटर, यू एंटर, यू एंटर, यू एंटर, देखें ये कमांड्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो कि लाइन के लिए यूज की जाती हैं, क्लोज की कमांड और ये दूसरी कमांड्स आपने देख ली होंगी। क्लोज के लिए सी एंटर करता हूँ तो आपकी लाइन को क्लोज इसने कर दिया। तो ये था जी लाइन और लाइन के ऊपर हम काम किस तरह करते हैं। आज के इस लेसन में हमने लाइन और लाइन पे हमने अंडू की कमांड को भी देखा और
उसके अलावा क्लोज किस तरह करते हैं लाइन को, लाइन को एक स्पेसिफिक मेजरिंग यूनिट दे के आप किस तरह उसे ड्रॉ करते हैं, स्केप का यूज किया। उसके अलावा आप लाइन अगर देखें, मेरे अब दोबारा मैं वही लाइन वाली कमांड यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास वही कमांड दोबारा एक्टिव हो जाएगी, आपको एल एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। स्केप का बटन, स्पेस का बटन जो होता है ये लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है, कमांड को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ऑटो कैड में यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक कमांड के थ्रू आप हजारों काम कर सकते हो, लेकिन आपको उन कमांड्स का पता होना चाहिए कि इस कमांड से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कमांड को किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे लाइन के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू बनाओगे, तो वो प्रोजेक्ट आपको सेव करना होगा ताकि आप दोबारा उस प्रोजेक्ट पे काम कर सको। तो प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए जो यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल एस करेंगे कीबोर्ड से तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव ड्राइंग एज के नाम से। आपने जहां भी सेव करने, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूं, मैं जहां पे भी डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाह रहा हूं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे मैंने क्लिक किया, मैंने ड्राइंग का यहां पे फाइल नेम में ड्राइंग का नाम दे दिया, नाम देता हूं मैं अली, नाम दे के आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है तो आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगी जहां पे आप चाहोगे सेव करना चाहोगे। दूसरा तरीका इसका क्या है सेव करने का, यहां पे इस बटन पे क्लिक करें, ऑटो कैड बटन पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करने के बाद जहां पे आप चाहें वहां पे आप नाम दें अपनी ड्राइंग को, नाम देता हूं मैं अली के नाम से या कोई भी, तो आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हर एक सॉफ्टवेयर, जब सेव सॉफ्टवेयर में से आप जो भी प्रोजेक्ट बना के उसको सेव करते हो, तो सेव करने के बाद उसको एक एक्सटेंशन दी जाती है जो कि उसकी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होती है। तो ऑटो कैड की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो DWG होती है, ड्राइंग, DWG, जैसे पावर पॉइंट की होती है PPT, वर्ड की होती है वर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स DOC, एक्सेल की होती है XLS, तो ये मुख्तलिफ इसके नाम दिए होते हैं। तो इसका भी नाम हमारे पास क्या होता है, ड्राइंग के लिए DWG यूज की होती है एक्सटेंशन। तो ये चीजें कुछ याद रखिएगा अपने जहन में और इन चीजों को आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो लाइन जो कमांड हमने यूज किया, अब लाइन कमांड हमने एक तो कमांड के थ्रू यूज किया है, दूसरा हमारे पास लाइन यहां पर पड़ी हुई है, यहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप लाइन यूज कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो ड्रॉ में जाएंगे क्योंकि ड्रॉ बार है, तो ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाने के बाद आपको सबसे पहले लाइन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो आप ये तीन तरीकों से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ऑटो कैड की लाइन कमांड के ऊपर। नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, खुदा हाफिज़।